वेलकम टू माई चैनल चेरीज वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेचुरल वे में हम घर में सोप कैसे बना सकते हैं। सो यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बता रही हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपके साथ शेयर किया है कि सोप कैसे बनाते हैं, तो येस मैं भी आपके साथ कुछ उसी टाइप के वीडियो शेयर करूँगी जो कि थोड़ी बहुत उनसे सिमिलर होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरों को देख के बिल्कुल कॉपी किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने खुद का सोचा है और खुद इन्वेंट किया, खुद यूज़ किया, उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। ओट्स वाले सोप को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा गोट मिल्क का सोप, जो कि ये है। एंड इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे ओट्स, हनी। आपको आगे के इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूंगी वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ओट्स का सोप बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए ओट्स। ये मैंने 4 स्पून लिए हैं। 1 स्पून लिया है मैंने ऑलिव ऑयल एंड 1 स्पून लिया है मैंने हनी एंड ये है 1/2 स्पून सिनेमन पाउडर। ये है सोप बेस जो मैंने आपको दिखाया था, गोट मिल्क का सोप बेस, उसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे मेल्ट कर दूंगी ओवन में। एंड ये है सिलिकन बेस, ये मैंने हार्ट शेप का लिया था क्लब फैक्ट्री से। और इसमें मैंने थोड़े से ओट्स स्प्रेड कर दिए हैं। तो जो ओट्स होता है बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो इसलिए हम आज सोप बना रहे हैं ओट्स का। और मैं इसे अब मेल्ट कर देती हूँ। सो मेरा जो बेस है वो मेल्ट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से, और हमें फटाफट मेल्ट होने के बाद ही जो बेस होता है उसमें हमें फटाफट इंग्रेडिएंट्स मिला देने चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इसमें जो 4 स्पून जो मैंने ओट्स लिए थे वो मैं मिक्स कर दूँगी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली है ओट्स की, मुझे पता है। मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि कम क्वांटिटी डालने का कोई मतलब नहीं होता सोप में, सो इसलिए लिया ताकि अच्छे से जो है हमारी बॉडी पे सोप लग पाए। तो मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल 1 स्पून, 1 स्पून डाल दिया मैंने हनी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबके लिंक दे दूँगी। फिर मैं ऐड करूँगी 1/2 स्पून सिनेमन और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सो फर्स्ट मैं ट्राई करती हूँ कोई भी DIY जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मैं खुद से बहुत सारे नए नए DIY इन्वेंट करती रहती हूँ। अब मैं इसको पोर कर दूँगी इन सिलिकन्स में, और आप किसी बाउल में भी कर सकते हो उसे ग्रीसिंग करके, जैसे कि ये है। मैं इसमें इसको डाल सकती हूँ, इसमें ऑयल था, यस तो इसमें ऑयल था, इसको मैंने ग्रीस, ये ऑलरेडी ग्रीस हो रखा है, तो मैं इसमें भी डाल सकती हूँ सोप। एंड आप पास अगर नहीं है तो, अगर आपके पास सिलिकन मोल्ड है तो उससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती सोप के लिए। सो अब जितना भी क्वांटिटी बची है वो मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और आप इस सोप को अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। अब इनको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, या तो आप इसको अपने फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर बाहर भी छोड़ सकते हो, ये आधे घंटे में बिल्कुल सेटल अप हो जाएगा। सो मैंने इनको फ्रीज़र में डाल दिया था और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो गए हैं। एंड इनको आई थिंक 15 से 20 मिनट्स लगे हैं फ्रीज़ होने में। सो अब हम इसको निकाल के देखते हैं ये कैसे लग रहे हैं। सो वाओ, सो ये है मेरा ओट्स, सिनेमन, हनी, इन सबको मिलाया हुआ सोप जो कि बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। एंड मैं इसको रख देती हूँ। तो जो सिलिकन मोल्ड होते हैं इससे बहुत इजीली निकल जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा, मैंने मेरा पहले प्लान नहीं था लेने का, बट मैंने कहा नहीं यार लेना तो पड़ेगा क्योंकि अब होममेड सोप ही चलने वाले हैं घर में, तो लेना तो पड़ेगा। सो इसलिए मैंने लिया था। और अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। सच बताऊं तो मुझसे होता नहीं है ये बाउल का निकाला, मुझसे निकाला नहीं जाता, बट लेट्स ट्राई निकलता है कैसे निकलता है। सो यस यस ये सो सोप निकल गया बहुत मेहनत करने के बाद। एंड इसको मैं अपने फेस के लिए रखूँगी क्योंकि जो हम बॉडी पे सोप लगाते हैं उसको हम अपने फेस पे नहीं लगा सकते, मतलब जैसे हम बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं फिर उसको फेस पे नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं इस सोप को अलग से रखूँगी छोटू वाले को अपने फेस के लिए, और इसको रखूँगी मैं अपने बॉडी के लिए। एंड अभी तो इतना ज़्यादा इसमें स्क्रब आपको नहीं दिख रहे, बट जैसे ही मैं इसको वॉश करके अप्लाई करूँगी तो धीरे धीरे जो है इसमें जो पार्टिकल्स हैं ओट्स के, सिनेमन के, इन सब के आते रहेंगे, और स्क्रबिंग बहुत अच्छी होती है इससे बॉडी की। सो यस ये हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से सोप, हैंडमेड, जो कि बहुत अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। इसमें ऑलिव ऑयल डला है जो कि बेस्ट है, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, रहेगा बिल्कुल नरिश रखेगा आपकी स्किन को, बिकॉज इसमें ऑयल डला है। एंड इसीलिए सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो
सो आई होप आपको मेरा ये DIY होममेड सोप अच्छा लगा होगा. बिल्कुल ही नेचुरल है, बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, कुछ भी नहीं है इसमें. आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सोप को यूज़ कर सकते हो. आपको टेंशन नहीं रहेगी माइंड में कि यार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ इसमें केमिकल तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है, वो तो नहीं है. आपको ऐसा कुछ बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है इस सोप को यूज़ करने में. आपकी मर्ज़ी, अगर आप गोट सोप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ये बेस ले सकते हो. आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको परचेज कर लेना. ये ऐसा नहीं है कि आपका मनी वेस्ट होगा. 380 रुपीज़ में आप सोच रहे हो 15 से 20 आपके सोप बन जाएंगे जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री होंगे. तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यही लो. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड थैंक यू, बाई.